नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज़। इस वक्त हूँ मैं संसद मार्ग दिल्ली में। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। तमाम समिति और तमाम एनजीओ यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाए हुए हैं। इसी क्रम में हम आए हैं। इस बैनर में आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी रजिस्टर्ड, इसकी ओपनिंग की है, इस स्टॉल की ओपनिंग की है रिटायर्ड आईपीएस आरएस चौहान जी ने। तो आइए, कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आज के जो बाबा साहब का जन्मदिन है, इसकी सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, और इस मौके पे आप लाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मौका है, बाबा साहब का जो काम है वो विशेषकर आज हम बधाई देना चाहते हैं देश की तमाम महिलाओं को और तमाम जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जो इन्होंने काम किया बाबा साहब ने, उनके लिए बहुत बहुत बधाई का दिन है। बहुत बहुत बधाई आपको भी। सर, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया था, तो क्या बदलाव हुआ है महिलाओं में, खास करके इस देश में? जी, महिलाओं की पोजीशन और शोषित समाज की पोजीशन के बारे में जहाँ तक बात है, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। अभी हमें देखिए याद है कि जो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो उसके ऊपर एक रिएक्शन किया था एक सवर्ण महिला हैं पंडिता रमाबाई, उन्होंने लिखा था कि पश्चिम की जो महिलाएं हैं, विशेषकर वेस्टर्न महिलाएं हैं, यूरोपियन महिलाओं के लिए संबोधित करके उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी पश्चिमी महिलाओं से गुजारिश करती हूं कि वो बाहरी खूबसूरती को से संतुष्ट ना हो, जो महान दर्शन की और जो खूबसूरती है, बाहरी खूबसूरती है दर्शन की, और जो पढ़े लिखे लोगों का जो बौद्धिक विमर्श है, और जो भव्य प्रतीकों के नीचे जो बहुत गहरी काली कोठरियां हैं, वो उनमें तमाम महिलाओं का और शोषितों का, नीची जाति का शोषण चलता रहता है। ये कमेंट थे उनके, जो पंडिता रमाबाई एक सवर्ण महिला थी, तो ये कमेंट थे उनके ऊपर। तो हमें बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। अंदरूनी हालात ये है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, जो उनका जो पोजीशन है उसमें कोई खास सुधार की बात नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ोतरी हुआ है। अभी अगर क्राइम का आंकड़ा देखें, रेप का केसेस देखें और बहुत सारी चीज़ें देखें, या नीची जाति वालों के खिलाफ जो शोषण है उसको देखें, क्योंकि समाज का जो है विषमता पर आधारित समाज की जो रचना है, तो इसमें दोनों जगह महिलाओं को विशेषकर और शोषितों को, उन्होंने जिनके लिए काम किया उसको नगण्य किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। इनका हालत में सुधार होना चाहिए। अभी भी हमने यहाँ देखा, महिला स्पेसिफिक कोई कार्यक्रम नहीं है, महिलाओं का नहीं है। अभी यहाँ जो पंडाल लगे हैं वो शोषित के हैं, नीची जो एससी एसटी के वर्ग के लोगों ने लगाए हैं। बाकी अगर बाबा साहब को जो सवर्ण समाज के लोग भी अगर मानते हैं, तो वो भी अपना यहाँ आके योगदान दें, लगाएं अपना स्टॉल भी, तो वो कुछ उनका योगदान दिखाई नहीं देता है। उन्होंने बाबा साहब को लिमिट करने का कोशिश किया, और वो लिमिट करने के चक्कर में उनको एक जाति विशेष से जोड़ के देख दिया। तो उनको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए, उनके विचारों का विस्तार करना चाहिए। अगर हमें सारा महिलाओं का, विशेषकर जो 50% महिलाएं हैं, वो सभी, उन्होंने जो है किसी जाति विशेष की महिला के लिए काम नहीं किया। महिला चाहे किसी जाति की हो, उन्होंने हिंदू कोड बिल में सबको संपत्ति का अधिकार और कई अधिकारों की बात की थी, तो वो माने नहीं गए थे। तो बाबा साहब सभी महिलाओं के लिए काम करते थे, सभी महिलाओं के लिए काम किया है, उनके लिए सभी महिलाओं को बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए। थैंक यू। सर, आम आदमी, आपने कहा कि महिलाओं का कोई स्पेशल कोई स्टॉल नहीं है, मुझे ये बात याद आई,
कि यहाँ पर जो पंजाब में बाबा साहब भगत सिंह के जो नाम पे वोट का राजनीति कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का भी स्टॉल मुझे कहीं नज़र नहीं आया। हाँ ऐसा है, लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, वो सब है, लेकिन उन्होंने चलो फोटो तो लगाया है, वो अच्छा काम है, एक फ़ोटो का होना चाहिए हर दफ्तर में हर उसमें, तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि उनका सबका सहयोग होना चाहिए मनाने में, तो कहने और कथनी करनी में अंतर नहीं करना चाहिए। सर हमारे साथ और भी लोग हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा है, ये हमारी सोसाइटी है नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी, मैं इसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और आज यहाँ बाबा साहब के 131वें जन्मदिन पर उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये हमारा पहला मौका है जब हम यहाँ पर अपना स्टॉल लगा रहे हैं NHES का। हमारी ये सोसाइटी ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है और हम समाज के लिए दिल्ली NCR में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से। अभी हमने गुजरात स्टेट में भी अपने समाज के लिए काम शुरू कर दिया है, वहाँ पर भी हमारी ये कमेटी बन गई है और जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं जितना भी हम उसको पूरा कर सकते हैं पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत लोग आज इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब के जन्मदिन पर, सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुशी से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। धन्यवाद। सोसाइटी का मेन कार्य क्या है और किस क्षेत्र में कार्य? वैसे तो हमारी सोसाइटी के 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने सोसाइटी में पूरी तरह से डिफाइन किए हैं, मगर हमारा मेन कार्य समाज के उत्थान के लिए है। जो भी समाज का तबका है जिसको भी समाज के व्यक्तियों की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता है, उनको हम हर तरह की हेल्प पहुँचाने की कोशिश करते हैं और सरकारी तंत्र से भी हम कोशिश करते हैं जो आवश्यकता अपने समाज को सुविधा प्रदान करने की है वो हम समाज के लिए सरकार से कह के सुविधा प्रदान कर सकें। सर शुक्रिया। और भी लोग हैं, सर आपका नाम क्या? जय भीम, मैं सुरेंद्र भारती हूँ, मैं इस सोसाइटी के अंदर को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और इस सोसाइटी में इसलिए जुड़ा हूँ मैं ताकि हम लोग अपने समाज के लिए कुछ काम कर सकें। ये पे बैक टू सोसाइटी के लिए इसमें जुड़े हैं ताकि हमारी सोसाइटी ने जो हमें दिया है समाज बाबा साहब के जो सुजनने से हमें जो सब कुछ मिला है उसके लिए हम कुछ पे बैक कर सकें सोसाइटी को, इस पर्पज़ से हम लोग जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि अपने समाज के लिए कुछ अच्छे से अच्छा काम कर सकें, अपने समाज को ज़्यादा मजबूत कर सकें, अपने समाज के लोगों को ज़्यादा उत्थान कर सकें। और उसके बाद में लक्ष्मीचंद जी को कहूँगा वो आगे कुछ बताएँ। तो सर किस तरह से जुड़ सकते हैं सोसाइटी, आपकी सोसाइटी से लोग आकर हेल्प लेना चाहें तो कैसे लेंगे? सर सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करते हुए आज के जन्मदिन की सभी इस देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि वो हमेशा ऐसे जन्मदिन मनाते रहे और हम इस नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है, मैं उसका मेन फाउंडर हूँ और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। मैंने इसमें सारे लोगों को, जितने भी देश के लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे करके हजारों लोग इसमें हैं और हम पूरे समाज के लिए हर किस्म का सामाजिक काम करना चाहते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो हम निस्वार्थ इस प्लेटफार्म के तहत जो है समाज की सेवा करना चाहते हैं। मेरा सवाल, जैसे कोई नए जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे आपकी सोसाइटी से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए क्या? तो सर एक्चुअली हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं और इसकी हमारी वेबसाइट भी है, हमारे से वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम, और हम उनको एक फॉर्म हमने इसमें बनाया हुआ है उसमें जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकता है, ये सारे ह्यूमन बीइंग के लिए है, कोई भी जुड़ सकता है, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और सालाना हमने कुछ कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है वो उसमें फीस सबमिट करनी पड़ती है और वो मेंबर बन जाता है। तो कार्य क्षेत्र क्या है आपकी सोसाइटी का, किस किस फील्ड में काम करते हैं? सर हम हर फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे विकलांग बच्चों से हो, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड हो, हम हर फील्ड में समाज का काम करना चाहते हैं। मेरा नाम BS चौहान है और मैं NHES में ट्रेजरार हूँ। ठीक है, क्या सर सोसाइटी का क्या उद्देश्य है और ये सोसाइटी 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी मगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा रहा, जिस वजह से जो उद्देश्य हम लेके चले थे, जो टारगेट पूरे करने थे, वो 2 साल हमें मौका नहीं मिला काम करने का। अभी पिछले 6 महीने से हम बड़े तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि सारे काम जो है पूरे करे जाएँ
इसमें ऑलराउंड काम हो रहा है, एक सिर्फ एक ही फील्ड में काम नहीं हो रहा, कई विषयों पे काम हो रहा है। स्कूल को एक टिकली कला में एक स्कूल है उसको पर मंथ एड दे रहे हैं उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ भी जा रहे हैं हमारे बंदे। और सोसाइटी में जहाँ जहाँ भी लोड पड़ती है, किसी के एट्रोसिटी होती है उसके साथ खड़े होते हैं, किसी को और हेल्प की लोड पड़ती है वहाँ भी जाते हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ जो भी पैसा जो भी कलेक्शन होती है सर, मेंबर्स अपनी जेब से अपनी कमाई से देते हैं और बैंक से पैसा आता है, बैंक में ही सारा खर्चा होता है ये सारी सोसाइटी। आपकी सोसाइटी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी जो हमारे पास देख सकते हैं? सोसाइटी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रधान जी का या जनरल सेक्रेटरी का या ट्रेजरर का, ज्वाइंट सेक्रेटरी का, सारे आपको अपने नंबर है ठीक है, और उसी नंबरों पर सारे हम आपस में मिलकर जो भी बात होती है उससे बता देते हैं। और कुछ कहना चाहूँगा? बस यही है कि हमारे साथ NHS के साथ सारे मेंबरों से, जो भी दर्शक इस आपके चैनल को देख रहे हैं उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करो, मेंबर बनो हमारे साथ ठीक है, और हमारे साथ जुड़ो और आगे बढ़े, हम समाज का जितना ज़्यादा मदद कर सकते हैं करने की कोशिश करें। जय भीम। तो साथियों ये थे हम नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी के स्टॉल पर संसद मार्ग दिल्ली में, और आप भी देखते रहिए जनता आवाज़, इसी तरह की खबर हम दिन भर दिखाते रहेंगे। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।